दोस्तों माना कि आज हम मंगल तक जाने की अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ताकि हम वहां पर अपनी एक अलग दुनिया बसा पाएं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जहां हम मंगल पर जिंदगी बसाने की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी अपनी पृथ्वी पर ना जाने ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा भी नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि आपको भी उन घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आपने इन घटनाओं के बारे में सुना तक भी ना हो। इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो आपको पूरी तरह से चौंकाने के लिए तैयार है, जहां हम आपको कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। नेवर एंडिंग लाइटिंग स्टॉर्म। दोस्तों, पश्चिमी वेनेजुएला के कैटाटुम्बो नदी पर एक ऐसा तूफान आता है जो कभी नहीं थमता। जी हाँ, इस तूफान की शुरुआत हर रात 7 बजे होती है, जिसके बाद कुदरत का एक अलग ही रूप इस जगह पर देखने को मिलता है, क्योंकि 7 बजे के बाद इस जगह के ऊपर अचानक से ही बिजली चमकने लगती है, वो भी पूरे के पूरे 10 घंटों तक, और साल के अधिकतर दिन ऐसा ही होता है। हालांकि इस अनोखी घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहां पर रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि पत्थरों में यूरेनियम की मात्रा के ज्यादा होने की वजह से इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां मौजूद गर्म हवाएं दूसरे छोर से आने वाली ठंडी हवाओं से टकराती है और इसी वजह से यहां बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि वैज्ञानिक भी इस बात का पुख्ता दावा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों होता है। वैसे साल सन 2010 में 6 हफ्तों के लिए ऐसा होना बंद हो गया था और यहां का माहौल पूरी तरह से शांत था, लेकिन वापस से ऐसा होना शुरू हो गया। यहां पर हर रोज बिजली कड़कती है। आइस डिस्क। दोस्तों, हमें तो पता ही नहीं कि आप लोगों ने डीवीडी प्लेयर में सीडी डिस्क डालकर कोई फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन हाँ, हमने ऐसा जरूर किया है, क्योंकि हो सकता है आप मॉडर्न जमाने के रहे हो, लेकिन हमने वो जमाना देखा है जहां पर डिस्क की मदद से हम फिल्में देखा करते थे। और अगर आपने भी कुछ ऐसा देखा है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डीवीडी प्लेयर पर ही चलाने के लिए डिस्क नहीं बनती, बल्कि प्रकृति पर भी एक डिस्क बनाती है, और वो डिस्क बर्फ से बनी होती है। जी हाँ, असल में होता यह है कि किसी बर्फीली जगह पर एक गोल सी आइसी डिस्क बन जाती है, या फिर उससे आप बर्फीला पहिया भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल गोल आकार का होता है, और इसे देखना वाकई बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। और इसी तरह की एक घटना हमें वेस्ट ब्रुक के एक बर्फीले इलाके में देखने को मिली, जहां पर एक गोल आकार की डिस्क बन गई, और ये डिस्क इतनी ज्यादा मजबूत थी कि इस पर कोई खड़ा हो जाए तो ये नहीं टूट सकती थी। हालांकि कई जगहों पर ऐसी डिस्क भी बनती है जो काफी कमजोर होती है, लेकिन हमारा मेन मकसद डिस्क की मजबूती और कमजोरी पर नहीं। हमें तो ये चीज आश्चर्यचकित करती है कि प्रकृति कैसे बर्फ में इस गोलाकार के डिस्क को बनाकर बर्फ किनारे कर देती है, क्योंकि ना ही इसे इस तरह से सेट किया जा सकता है और ना ही बर्फ को इस गोलाकार से तोड़ा जा सकता है। हालांकि कई सारे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि बर्फ के पानी के अंदर होने वाले बदलाव की वजह से ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी तक पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिस वजह से वैज्ञानिक इसे समझने के लिए अपना सर पीट रहे हैं। और इस तरह की डिस्क रूस से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह देखी जा चुकी है। सेलिंग स्टोन्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 राज्यों नवेदा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है डेथ वैली नेशनल पार्क। और आज हम आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका का ये सबसे सूखा इलाका है, और यहीं पर स्थित है रेस ट्रैक पलाया, जहां पर दुनिया की एक अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है। ये जगह तालाब का एक ऐसा तल है जो पूरे साल सूखा रहता है। ये जगह बिल्कुल सुनसान है, और इसी जगह पर पत्थर बिना किसी इंसान या जानवर के छुए ही अपने आप चलते हैं, और ये बात हम हवा में नहीं बोल रहे दोस्तों, बल्कि इसका सबूत आम पत्थरों के पीछे बनते घसीटने के निशान से लगा सकते हैं।
हालांकि अभी तक किसी ने भी इन पत्थरों को चलते हुए नहीं देखा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस जगह पर कोई रहता ही नहीं है। लेकिन हाँ, पत्थरों के पीछे बनते हुए निशान इस बात का साफ सबूत है कि ये पीछे से घसीटे जा रहे हैं। और ये बात और भी ज्यादा रहस्यमय है कि इन निशानों के अलावा और कोई निशान नहीं पाए गए हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या जानवर ऐसा कर रहा होता तो उसके पैरों के निशान अवश्य इस जगह पर होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे साथ वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आप लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक उबलती हुई नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि ये उबलती हुई नदी कहीं और नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगलों में पाई जाती है। इस नदी की लंबाई 4 मील और चौड़ाई करीब 25 मीटर है। और अगर इस नदी के तापमान की बात की जाए तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे आप इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि क्यों इस नदी को उबलती हुई नदी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि इस नदी का पानी इतना ज्यादा खौलता हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले निवासी इसके पानी से चाय और अंडे तक बना सकते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार इस नदी का इतिहास सदियों पुराना है, जिसे सूरज की गर्मी से उबलने वाली नदी के तौर पर जाना जाता है। और इस नदी की सबसे कमाल की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी इसका पानी खोलता रहता है, यानी कि अगर जमा देने वाली ठंड पड़ रही है फिर भी इसके पानी को छूने से आपका हाथ जल सकता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए ये नदी कितनी रहस्यमय और अनोखी है, जो कहीं और नहीं बल्कि अमेज़न के जंगल में पाई जाती है। बायोलुमिनेंसिस। दोस्तों, अगर आपको सितारों की चमक प्यारी लगती है तो ये प्राकृतिक घटना आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि रात को सितारों की तरह चमकता पानी बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगता है। और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कहानी नहीं बल्कि एक अनोखी प्राकृतिक घटना है, जो विश्व के कई जगहों पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से रात होते ही समुद्र तट पर समुद्री लहरें नीले प्रकाश से जगमगाने लगती है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटे प्लैंकटन नाम के जीव पाए जाते हैं, जो अपने अंदर रोशनी को समेटे हुए होते हैं, और हल्की सी भी हलचल होने पर इनके अंदर की रोशनी अपने आप जगमगाने लगती है। इस तरह की घटना मालदीव्स और सैन डियागो के तट पर देखी जा सकती है, जो कि अनोखी होने के साथ साथ बेहद ही शानदार है। एज ऑफ रेन स्टॉर्म एंड हेल स्टॉर्म। दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि जब हमारे शहर का मौसम थोड़ा बहुत भी बदलता है तो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके तुरंत उनके वहां का मौसम पूछने बैठ जाते हैं। अरे भाई, इंसान है, इतना बहुत गॉसिप तो चलता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि तब क्या हो जब मौसम एक शहर से दूसरे शहर नहीं बल्कि महज एक कदम की दूरी पर ही बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव है, एक ही जगह पर मौसम अपने दो अलग अलग रंग दिखाए। हालांकि सुनने में ये विचित्र जरूर लग रहा है, लेकिन अगर विचित्र ना होता तो आज की हमारी इस लिस्ट में होता कैसे? वैसे अक्सर तो यही होता है कि अगर एक जगह पर बारिश हो रही है और दूसरी जगह पर नहीं हो रही तो उन दोनों जगहों के बीच के रास्ते पर हल्की फुल्की बारिश होती रहती है। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि एक कदम की दूरी पर मौसम अपने दो रंग दिखा देता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह सड़क के एक हिस्से में बारिश हो रही है तो वहीं दूसरे हिस्से में नहीं हो रही, और ये भी नहीं कि एक हिस्से में बहुत धीमी बारिश हो रही है, यहाँ तो बारिश की बौछार आ रही है लेकिन दूसरा हिस्सा तो पूरी तरह से सूखा पड़ा है। और ऐसा सिर्फ बारिश के साथ ही नहीं बल्कि बर्फ के साथ भी होता है, जहां एक हिस्से में बर्फ गिर रही होती है और दूसरे हिस्से में बिल्कुल साफ मौसम होता है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि प्रकृति हम इंसानों के साथ कितने गजब के खेल खेलती है। ऐसा क्यों होता है
इसके बारे में तो अभी तक वैज्ञानिक भी ढंग से पता नहीं कर पाए। मिस्टीरियस ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका की जमी बर्फ में एक जगह ऐसी भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं, लेकिन वो कोई निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन हां, इसे देखने से इंसान एक बार जरूर सोच में पड़ जाएगा कि क्या वाकई इस झरने से खून बहता है। हालांकि वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, जिस वजह से कई सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस जगह की बर्फ के नीचे कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पानी को लाल रंग देते हैं। लेकिन अगर ये बात भी ठीक कही जाए तो भी वैज्ञानिक उस तत्व का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। द वेव अरिजोना। दोस्तों, अमेरिका के एरिजोना में मौजूद द वेव बलुआ पत्थरों का एक अनोखा निर्माण है, जहां पर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जगह का स्ट्रक्चर ना सिर्फ रंग बिरंगा है बल्कि बहुत ही ज्यादा अनोखा है, जिसमें ऐसा लगता है कि बालू हर समय तूफान के बवंडर की तरह घूम रही है और कभी भी आपको अपने साथ उड़ा ले जाएगी। ये जगह हाइकर्स और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, जिस वजह से भारी मात्रा में दुनिया भर से सैलानी इस जगह के अद्भुत नजारों का लुफ्त उठाने आते हैं। और दोस्तों, इस जगह के इस नजारे को देखकर वाकई किसी का भी मन करेगा कि वो एक न एक बार अपनी जिंदगी में ऐसा अद्भुत नजारा देख सके जहां पर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास हो। औरोरा। दोस्तों, आर्कटिक और एंटार्कटिक क्षेत्रों में रात के समय में आसमान में रोशनी का एक अनोखा नृत्य होता है जो किसी का भी मन मोह सकता है, जिसे अरोरा कहा जाता है। दोस्तों, आसमान में ये सुनहरी रोशनी तब पैदा होती है जब सूरज के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल धरती के वातावरण से टकराते हैं। प्रकृति का ये शानदार नजारा किसी की भी धड़कनों को रोकने के लिए काफी है, क्योंकि जब सुनहरे रंग की लाइटिंग आसमान में जगमगाती है तो कोई भी उन्हें देखकर सुन्न हो जाता है और आप इस शानदार नजारे को साफ मौसम में बड़े ही आराम से देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद ये तो पक्का है कि आपको धरती में ही जन्नत का एहसास हो जाएगा। रेड क्रैब माइग्रेशन। दोस्तों, इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कास्ट पर स्थित क्रिश्चियन आइलैंड पर हर साल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इंसान की रूह कांप सकती है, क्योंकि हर साल इस जगह पर 50 मिलियन लाल केकड़े इस पूरे आइलैंड को घेर लेते हैं। असल में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में जब इस जगह पर बारिश का मौसम शुरू होता है तब इस अनोखे जीव की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि बारिश शुरू होने पर ये जीव अंडे देने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। एडल्ट केकड़े जंगल में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और शरीर में कम हो चुकी नमक की भरपाई के लिए समुद्र की तरफ रुख करते हैं, जिसमें जब केकड़े वहां पहुंच जाते हैं तो उनमें से नर केकड़े समुद्री तटों पर बिल बनाते हैं और मादा केकड़ों से संबंध बनाने तक उस बिल को अन्य केकड़ों से सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, जब नर और मादा केकड़ों में आपस में संबंध बन जाते हैं तो नर केकड़े वापस जंगल की तरफ रुख कर लेते हैं और मादा केकड़े वहीं रुककर अपने बिल की सुरक्षा करने लगती है, और 2 से 3 हफ्तों के बाद मादा अपने अंडों को समुद्र में छोड़ देती है। उसके बाद ही इन अंडों की संघर्ष भरी यात्रा शुरू होती है। असल में दोस्तों, पानी के अंदर इन अंडों से लार्वा निकलते हैं और केवल कुछ लार्वा ही बड़े होने तक जिंदा बच पाते हैं। 4 हफ्तों बाद ये छोटे केकड़े वापस से अपनी अपनी जगह ढूंढने लगते हैं और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये भी जंगलों से निकलकर समुद्र की तरफ अपना रुख करते हैं और अपने आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच इनकी लाइफस्टाइल का जो पूरा प्रोसेस है वो इस आइलैंड पर काफी ज्यादा डरावना दिखता है। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।